भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कहीं ना कहीं अगर ऐसे मामले उठते हैं तो उस पार्टी की साख के ऊपर भी हमारी दाग। नहीं नहीं नहीं, आप हमारी पार्टी का साख का बात मत करना। हमारी पार्टी का साख स्वच्छ है, साफ है। माननीय हमारे देश के पंच प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले के बच्चे आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सुनिए, ये हमारे पार्टी का साक्ष्य है सर। हमारे पार्टी के बारे में कभी आप बोलने के पहले हजार बार सोचना। अगर मैं कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पांडे जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह से मामले आ रहे हैं, मत बोलो। जिस तरह से मामले आ रहे हैं, मामला आप बना रहे हो। मामला क्या मामला है? ठीक है, मामला है सर। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो मैं इस बात के लिए मैं यही रुकता हूँ। लेकिन बहुत सच्चा पत्रकार समझते हैं आप, एक सच्चा न्याय करवाइए। इस बात को मैं यही रुकता हूँ, पार्टी की साख की बात नहीं करके यहाँ मैं ये बात करना चाहूंगा कि इस समय कहीं ना कहीं कुछ मामला जो आ रहा है तो लोगों में एक संदेश यही जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ इस तरह से चल रहा है। लोगों में संदेश जुटा, आप मत लाओ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। भारतीय जनता, जय प्रकाश पांडे ने 10 लाख रुपया लिया, भारतीय जनता पार्टी बोला था जाके तुम 10 लाख रुपया लो। तो ये पांडे जी का बना दो, कलेक्टर बना दो, एसडीएम बना दो। पांडे जी का सीधा व्यू, रॉन्ग, राइट इज राइट। ओके, भारत माता की जय। ये पांडे जी का, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय वसई विरार अंतर्गत एक लेटर बम उसने भारतीय जनता पार्टी में भूचाल ला दिया है। इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ही मौजूद हूँ। आप हमारे साथ में देख सकते हैं वसई विरार उपाध्यक्ष संजय पांडे जी है और रमेश पांडे जी है, ये भी भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी है। तो जिस लेटर बम की मैं बात कर रहा था उसी लेटर बम पर इनकी मैं प्रतिक्रिया लेने आया हूँ। इनकी प्रतिक्रिया लूँ, इनसे बातचीत करूँ, उसके पहले थोड़ा सब्जेक्ट विषय आपको बता दूँ। दरअसल एक मामला उठा, एक पत्र रामनयन यादव नाम के एक शख्स ने एक पत्र लिखा बीजेपी के आला कमान को और पुलिस को भी लिखा है, ऐसी जानकारी सामने आई। उस पत्र में उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के आला कमान, जिसमें बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बावन कुले साहब और संजय पांडे जो कि उत्तर भारतीय मोर्चा अध्यक्ष, उनके नाम पर वो पत्र लिखा, जिसमें राजन नाईक यहाँ के जिलाध्यक्ष है उनको भी वो एक कॉपी दी गई। और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि जेपी पांडे, जयप्रकाश पांडे जो कि उत्तर भारतीय जिलाध्यक्ष है वसई विरार प्रकोष्ठ के, उन्होंने रामनयन यादव जो पीड़ित है, जो पत्र लिखने वाले हैं, उनसे 10 लाख रुपए ये कहते हुए लिए कि आपके बच्चे को नौकरी में लगा दूंगा यूपी में, मेरे योगी सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों से मेरी पहचान है, खुद योगी जी से मेरी पहचान है, मैं आपके बच्चे की नौकरी लगा लूँगा। तो 10 लाख रुपए लिए, करीब 2-3-4 साल पहले की ये बात है जब ये पैसों का लेन देन हुआ। उसके बाद में कहीं पे वो नौकरी लगे नहीं और बाद में जब इन्होंने तगादा किया तो उन्होंने 2-2 बार 2-2 लाख रुपये करके 4 लाख रुपये रिफंड किए और 6 लाख रुपये अभी भी उनका लेना बाकी है। अब इस मामले में रामनयन यादव जी ने जब पत्र के माध्यम से यह आरोप लगाया तो हमने कोशिश की प्रतिक्रिया लेने की जेपी पांडे जी की, तो जेपी पांडे जी से प्रतिक्रिया हम ले नहीं पाए। उसी बीच हम जेपी पांडे जी से प्रतिक्रिया ले पाते उसके पहले ही जेपी पांडे जी का एक पत्र जो उन्होंने पुलिस को दिया वो सामने आया। उस पत्र में उन्होंने आरोप लगाते हुए अपने आरोप के प्रत्यारोप में ऐसा लिखा है कि ये जो पत्र लिखा गया है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर 10 लाख रुपये के लेन देन का, इस सब के पीछे साजिश है संजय पांडे जी जो उपाध्यक्ष हैं इनकी, उनका जेपी पांडे का ये आरोप है। उन्होंने बकायदा इनके नाम से नामजद वो पत्र पुलिस को दिया है। इनका कहना है जेपी पांडे का कि संजय पांडे से उनका 16 लाख का कोई लेन देन बाकी था और उनका तगादा करने पर इनको पैसा वो नहीं लौटाना है करके इन्होंने रामनयन यादव को आगे लगाया और ये पूरा मामला उठा। तो इसी मामले पर हम इनकी प्रतिक्रिया लेने आए हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अब ये खुद हमारे साथ मौजूद है, ये इस बात से खुलासा करेंगे। संजय जी नमस्कार। नमस्ते संजय जी, पूरा मसला मामला आपने सुना, जेपी पांडे जी जो आपके उत्तर भारतीय जिलाध्यक्ष है उनके ऊपर आरोप लगाया, रामनयन यादव जी ने आरोप लगाया 10 लाख रुपए का, अभी उसकी जांच होनी बाकी थी और वो सब चीज मामला चल रहा था, लेकिन इसी बीच में उन्होंने एक पत्र के माध्यम से आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया, क्या कहना है आपका?
ये तो गलत झूठा कहना है, क्योंकि मेरा एवर्सन गेट में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, और न्याय या किसी का कुछ मदद के लिए कोई भी है मेरे पास आते रहता है। लेकिन राम नारायण जो यादव जी है उनका मेरा कोई संपर्क नहीं है। 2018-20 वो मेरे पास 2022 में आए, उसके पहले का इन्होंने पैसा उनसे लिया नौकरी लगाने के लिए या नहीं लिया, मुझे कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी जब हुई कि जब ये राम नारायण यादव जी ने बताने से कि राजन नाइक जी जो हमारे वरिष्ठ जिला अध्यक्ष है और बहुत अच्छे साफ छवि के जिला अध्यक्ष है, उनके यहाँ राम नारायण यादव जी और भगत सेठ वसे फटे पे नामचीन है, वो लोग गए थे राजन नाइक जी की तरफ 2-3 महीने पहले। तो राजन नाइक जी ने उनको जयप्रकाश जी को कुछ फोन लगाया स्पीकर पे, ऐसा राम नारायण जी का कहना है, भगत सेठ का जो इनके साथ में जो गए थे यादव जी के, कि राजन नाइक जी ने जब फोन किया तो राजन नाइक जी ने तो उन्होंने 2 महीने का कुछ टाइम मांगा जयप्रकाश जी ने, कि बात 2 महीने बाद मैं आपको पैसा ला के राजन नाइक जी के ऑफिस में या जिसे भी घर पे ला के दे दूंगा। फिर वो पैसा उनको यादव जी को मिला नहीं, वो हिसाब से उन्होंने जिला अध्यक्ष के पास वापस गुहार लगाई। तो जिला अध्यक्ष जी ने अच्छे तरीके से उनको बोला कि जाके पुलिस कंप्लेंट करो, ऐसा राम नारायण जी का कहना है। मेरा मुझे पुलिस की जानकारी नहीं है कि जाके कंप्लेंट, तो राम नारायण जी ने जिला अध्यक्ष के या कहने पे या न कहने पे पहले कंप्लेंट दी है चौकी में, मुझे मालूम पड़ा। तो राम नारायण मेरे पास भी आए कि वो आपका नाम लेके आपके मौसी का लड़का है और रिलेटिव है, ऐसा ऐसा करके वो पैसा सबसे बहुत जन से वसूल किया। तो मैं बोला भाई मेरे कान में तो किसी की बात आई नहीं है, आपकी आई है तो आप अभी जिला अध्यक्ष जी के पास गए हो तो वही न्याय देंगे आपको। ये आपने पृष्ठभूमि बताई बराबर ठीक है, वो पृष्ठभूमि अपनी जगह पे, लेकिन मेरा जो सवाल है वो सवाल अधूरा है कि इसमें उन्होंने आपका नाम जो डाला है कि आपका उनका 16 लाख का लेन देन है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो मामला है? ये तो झूठ है, 16 लाख तो दे ही नहीं पाएगा क्योंकि वो काम धंधा बिजनेस कुछ करता नहीं है, न काम धंधा करता है कुछ नहीं, तो कहाँ से 16 लाख देगा। और वो बता रहा है मेरे को दिया है, तो मुझे प्रूफ कर, मैं 10 मिनट भी नहीं लगेगा उसको रिटर्न दे दूंगा। नहीं, यही बात कुछ उन्होंने भी ऐसे अपने पत्र में कही कि राम नयन यादव जो 10 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए जेबी पांडे को दिए, तो उनका ये कहना है कि वो ये प्रूव करे कि पैसा दिया, कब दिया, कैसे दिया, तो इसका भी अभी तक कोई प्रूफ सामने आया क्या? इसका तो मुझे पता नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष जी जिन्होंने फोन किया था और वो जिन्होंने जयप्रकाश जी ने वादा उनको किया कि 2 महीने में दूंगा या 3 महीने में, वो हमारे जिला अध्यक्ष ही बता सकते हैं। और उन जो यादव जी के साथ में जो भी टीम गई थी वसे फाटे की, जो गरीब लोग जिनकी जिनके पैसे फंसे वही बता सकते कि इस बारे में वो जानकारी नहीं। और मैंने उससे पैसा मेरे को दिया नहीं, लिया नहीं, मैंने उनको 2-3 साल पहले मेरे ऑफिस से उनको बाहर कर दिया था क्योंकि उनका नेचर थोड़ा खराब था और बहुत सारे कंप्लेंट आ रहे थे मेरे पास उनके बारे में। तो मेरा फिर से एक सवाल वही दोहराता हूँ कि क्या कारण है कि सिर्फ आपका नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर भी उन्होंने दूसरे और किसी का नाम नहीं लिया, आपका ही नाम लिया, तो कुछ तो कहीं कहते ना कि कहीं कुछ कीचड़ होगा तो छींटे उड़ेंगे, तो क्या ऐसी अभी क्या वो बचने के लिए मेरा नाम ले रहे, क्योंकि मेरे नाम से ही उन्होंने 4 लाख रिटर्न दिया था, ऐसा ये यादव जी बताया मुझे कि भाई मेरा नाम संजय पांडे के पास जाऊंगा फिर वो डांटेंगे वगैरह, तो उन्होंने 2-2 लाख करके उनको रिटर्न दिया और ये हिसाब से मेरा नाम उन्होंने उछाला होगा, मुझे ऐसा डाउट है। मेरी आपसे फ़ोन पर जब बात हुई थी तो आप फ़ोन पर बता रहे थे कि जेपी पांडे जी है वो कई लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आपके मौसी के लड़के, क्या ये क्या विषय है? वो पहले तो जब गांव से छोटे छोटे जब थे आए थे तो उनको रहने के लिए कुछ यहाँ नहीं था, तो हम लोग ने उनको सहारा दिया, जो गरीब रोते उनके जब चाचा ने जब उनको भगाया था तो रोते रोते आए थे, तो हम लोग ने उनको सहारा दिया, तो हमारा ही नाम ले लेके वो पांडे पांडे करके उनका मौसी का लड़का बन के बहुत जन से फ्रॉड कर रहे हैं, हमें अभी समझ में आ रहा है। अभी उन्होंने आपका नाम उछाला, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आप क्या उस पर एक्शन लेंगे? छोटे मोटे में ध्यान देना नहीं है, जैसा वो जो करेगा वैसा भरेगा। संजय पांडे जी ने बेबाकी से पूरे इस मामले तक को खारिज करते हुए ये भी लास्ट में से बोल दिया कि छोटे मोटे में ध्यान देना नहीं है। अब इस साथ इसी मामले में हमारे साथ दूसरे जो पक्ष है रमेश पांडे जी, इनसे बात करेंगे। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ दिनों पहले रमेश पांडे जी ने हमसे संपर्क किया था इसी मुद्दे पर, जब ये मामला लेटर बम सार्वजनिक नहीं हुए थे तब इन्होंने हमसे संपर्क किया था कि ऐसा एक मामला है और उस मामले को लेकर आप जरा इसको रिपोर्टिंग कीजिए। तो उस समय हमने रमेश पांडे जी को यही बोला था कि मामला फिलहाल पुलिस में नहीं गया है, जब तक पुलिस में नहीं जाएगा इस पर मीडिया का काम शुरू नहीं होता है, पुलिस में जाने के बाद में मीडिया का काम शुरू होता है। और अब जब वो लेटर बम सार्वजनिक हो चुके हैं, पार्टी में भी
हर एक पदाधिकारी के पास पहुंच चुकी है और पुलिस को भी शिकायत जा चुकी है, तो हम इस मामले पर आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो रमेश पांडे जी से बारे में बात करते हैं। रमेश पांडे जी नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, पूरा क्या विषय है बताइए। मैं राष्ट्रीय मंत्री नमो नमो मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रमेश पांडे। हमने संजय भैया का भी बात सुना और आपका भी सुन रहे बात। हम लोग आज कम से कम 8-10 दिन हो गया होगा हम लोग बैठे थे, तभी आपको शायद मैंने फोन किया। करीब 3-4 दिन पहले आपका फोन आया था। हाँ वही, मतलब तो मैटर 6-7 दिन से चल रहा है। तो वो रामनयन यादव जी हैं, हम लोग बैठे थे, हमारा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का, तो आए, वो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो आए बोले कि हमको संजय पांडे जी से मिलना है, भैया से। तो मैं बैठा था तो मैं बोला भैया हैं, मिल लीजिए। तो बोले कि हमको आपसे भी दो बात करना है, तो मैं बोला कीजिए। तो बोले कि वो ऐसा ऐसा तुम्हारा बीजेपी का जयप्रकाश पांडे है, भारतीय जनता पार्टी का इधर का जिला अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा का, वो योगी जी के नाम पे, उनका जो सेक्रेटरी है वो मेरा खास दोस्त है, गांव में हमारे लेखपाल का भर्ती चालू था, वो बोला 10 लाख रुपये दे दो और हम भर्ती करा देंगे। तो मैंने तो रामनयन यादव को तुरंत डांटा कि तुम योगी जी के नाम पे, ये योगी जी पैसा लेके किसका काम नहीं करते, देवेंद्र फडणवीस जी किसका पैसा लेके काम नहीं करते, तुमने दिया ये गलत किया और महाराज का नाम आप मत लो। बोले हमसे गलती हो गई, हमारे पास इतना दिमाग नहीं है, गरीब आदमी हूँ, मैं सोचा मेरा बच्चा नौकरी पे लग जाएगा, गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाएगा, मैं इधर उधर करके ब्याज पे ला के दिया हमको 10 लाख, 5 लाख एक बार दिया, 5 लाख एक बार दिया। तो बीच में आपको टोकता हूँ, वो जो पैसा 10 लाख रुपए देने की बात करे तो वो किस तरह से दिया, कैश में ट्रांजेक्शन हुआ या? उन्होंने हमको बोला कैश दिया, उनके भाई को और वो दोनों जन थे उनको मैं ले जाके कैश दिया। तो फिर मैं बोला देखिए देने के टाइम तो आप मुझे बुलाए नहीं, तो अभी आए हो लेकिन हम कार्यालय लेके बैठे हैं, अगर हमारे यहाँ सर जी कोई भी आएगा पत्रकार बंधु तो हमको उसका सुनना पड़ेगा जी। तो हमने सुना और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ में बैठे थे, तो बोले इस पर क्या चर्चा होना चाहिए कि देखिए। मैं बोला देखिए हमारे यहाँ वरिष्ठ भी है, हम पार्टी का प्रोटोकॉल में चलते हैं, हमारे वरिष्ठ हमारे जिला के हमारे श्री राजन नाइक जी अप्पा, आप उनके पास जाओ आपको उचित न्याय देंगे। तो बोले ठीक है। और मैं बोला आप महाराज का नाम मत लो, इनका नाम मत लो कि उनका मेरा सेक्रेटरी पहचान वाला है, तो पैसा दिया आपने, दिया गलती किया, रही बात सच्चाई, आप जाओ वहाँ पर जो भी होगा उजागर होगा, हम लोग का काम है कि किसी भी चीज़ को न्याय मिलना। और हम हमारे से जो वरिष्ठ हैं पार्टी में प्रोटोकॉल है, हम पार्टी का कार्यालय लेके बैठे हैं, तो हमने कहा कि आप जाइए वहाँ पर आपको न्याय मिलेगी। तो बोले भैया ठीक है, गए अप्पा के पास, अप्पा ने उनको चाय बुलाया, चाय मंगाया, सब कुछ अच्छे से उनका मान सम्मान किया, उनको बैठाया, उनका सारा चीज़ सुना, उन्होंने हमसे बताया कौन, रामनयन यादव। हमको ये चीज़ मालूम नहीं क्या रामनयन यादव के बीच में क्या हुआ और क्या अप्पा के बीच में हुआ, क्या जयप्रकाश पांडे के बीच में हुआ, हमको कुछ मालूम नहीं इसमें। फिर उन्होंने बोला कि अप्पा स्पीकर चालू करके फ़ोन लगाए, फ़ोन लगाने के बाद में जयप्रकाश पांडे ने एक्सेप्ट किया कि हमने पैसा लिया है, इसका साक्षी हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजन नाइक जी हैं, उन्होंने बात किया था, ये सवाल आप उनसे पूछ सकते हो। नहीं, मैंने राजन नायक जी से भी बात करने के लिए फ़ोन लगाया था लेकिन मेरा बात नहीं हो पाया। व्यस्त होंगे, व्यस्तता होगी सर, बहुत पूरा जिले में भाग दौड़ रहता है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जिला अध्यक्ष जी। अब मसला ये हो गया कि रामनयन यादव जी ने आरोप लगाया जेबी पांडे जी ने हमारा 10 लाख रुपए लिया जी, उसका प्रत्युत्तर में जो अभी मैं आपके सहयोगी बैठे हुए संजय पांडे जी उनसे भी बात कर रहा था कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि संजय पांडे जी ने मेरा 16 लाख रुपए नहीं दिया। नहीं, तो ये संजय पांडे का लाने का कोई मुद्दा नहीं है, संजय पांडे आज इसमें थर्ड परसेंट आ रहे है, ये सर 2 महीना पहले की बात है। आज संजय पांडे का नाम तुम ले रहे हो ना, 15 लाख लिया, 16 लाख लिया, जब रामनयन यादव ने कानूनी शासन प्रशासन का मान सम्मान रखते हुए उन्होंने गुहार लगाई
उसके बाद आज आप संजय पांडे का 2 महीने के बाद नाम ले रहे हो। यही आप 2 महीना पहले जब राजन नाइक अप्पा जी के यहाँ रामनयन यादव गए थे, उस समय आपको अगर आपका 16 लाख रुपया लेना देना था तो संजय पांडे को बुलाना चाहिए था। वरिष्ठ थे हमारे, अध्यक्ष हैं, जिले के मालिक हैं। मेरा अनऑफिशियली बात हुआ था, तो अनऑफिशियली बात में ट्रैक रिकॉर्ड पे नहीं है, अनऑफिशियली बात हुआ था, उसमें उन्होंने एक बात जरूर मुझे बोला कि राजनीतिक तौर पर जिस तरह से मेरा कदम बढ़ रहा है और मैं अभी उपाध्यक्ष सॉरी अध्यक्ष बन गया हूँ उत्तर भारतीय मोर्चा में, तो उससे कई लोगों को जलन है और उस चक्कर में मुझे बदनाम करने के लिए ये किया जा रहा है। देखिए सर जी, भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे उनका राजनीतिक कद बढ़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में कोई अध्यक्ष नहीं, कोई पद नहीं होता, कार्यकर्ता हमारे यहाँ साहब सबसे बड़ा देवतुल्य मान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए, और देवतुल्य मान्य जनता और देवतुल्य विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी में यह नहीं है कि 10 लाख रुपये हमको दे दो, हम तुम्हारे लड़के को DM बना देंगे, SDM बना देंगे। सर इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। मैं शासन प्रशासन से यही गुहार लगाऊंगा कि इसका आप उचित इंक्वायरी करिए, सच्चा इंक्वायरी करिए और न्याय मिलेगा इसमें। फाइनली बात यही है कि अब मामला जो है वो प्रशासन पर जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी भी, भारतीय जनता पार्टी आपने नकार दिया भले ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। कहीं ना कहीं अगर ऐसे मामले उठते हैं तो उस पार्टी की साख के ऊपर भी हमारी दाग। नहीं नहीं नहीं, आप हमारी पार्टी का साख का बात मत करना। हमारी पार्टी का साख स्वच्छ है, साफ है। माननीय हमारे देश के पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी एक चाय बेचने वाले के बच्चे आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। सुनिए, ये हमारे पार्टी का साक्ष है सर। हमारे पार्टी के बारे में कभी आप बोलने के पहले 1000 बार सोचना। अगर मैं कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। पांडे जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरह से मामले आ रहे हैं, मत बोलो ऐसा। जिस तरह से मामले आ रहे हैं, मामला आप बना रहे हो। मामला क्या मामला है? ठीक है, मामला है सर। ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो मैं इस बात के लिए यही रुकता हूँ। लेकिन तो बहुत सच्चा पत्रकार समझते हैं आप, एक सच्चा न्याय करवाइए। इस बात को मैं यही रुकता हूँ, पार्टी की साख की बात नहीं करके यहाँ मैं ये बात करना चाहूंगा कि इस समय कहीं न कहीं कुछ मामला जो आ रहा है तो लोगों में एक संदेश यही जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ इस तरह से चल रहा है, लोगों में संदेश जो जाएगा। आप मत लाओ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे। भारतीय जनता, जय प्रकाश पांडे ने 10 लाख रुपया लिया, भारतीय जनता पार्टी बोला था जाके तुम 10 लाख रुपया ले, तो ये पांडे जी का बना दो, कलेक्टर बना दो, SDM बना दो। पांडे जी का सीधा व्यू, रॉन्ग राइट इज राइट, ओके, भारत माता की जय। ये पांडे जी का एकदम स्पष्ट व्यू है कि इसमें कहीं भी पार्टी को न लाया जाए, कहीं भी पार्टी का लेना देना नहीं है। जो कोई इंसान खुद इंडिविजुअल आदमी अगर कुछ गलती करता है तो इसके लिए वो इंडिविजुअल आदमी ही जिम्मेदार है। तो अब बात यह आई है वापस वही कि इसमें सबसे हम तो सिर्फ बात करके रह जाएंगे, लेकिन जो काम है वो काम है प्रशासन का। प्रशासन जो है इस मामले को पूरा उस तरह से देखे, उस तरह से खुलासा करे, जिस तरह से हर आम आदमी के साथ में कोई घटना होती है तो उस पर होता है। और एक दोनों न्याय मिले, दोनों ही मामले, दोनों ही जो पत्र दिए गए हैं उनकी बारीकी से जांच हो और जो भी आगे प्रशासनिक तौर पर उसका निष्कर्ष आए लोगों को मालूम पड़े। आज के लिए अभी के यही रुकेंगे, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786